सबसे पहले मैं सभी फेसबुक के दर्शकों को और तमाम जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने हमारे इस जो आज की चर्चा है इसमें आप सब ने इंतजार किया। इसके लिए मैं क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम थी हमारी, हम पूरे टाइम पे नहीं शुरू कर पाए, लगभग एक घंटा हम लोग लेट हैं। बहरहाल मैं माफी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज़ और मैं हूँ डॉक्टर कौशल पाल। आप सब तमाम दर्शकों को मैं सबसे पहले जय भीम बोलती हूँ। निशा पारचा जी हमारे साथ है, बबीता जी चंडीगढ़ से हमारे साथ है, विवेक जी हमारे साथ है और सबसे बड़ी बात हमारे साथ जो आज जुड़े हैं जिनके साथ हम विशेष रूप से इंतजार कर रहे थे लगातार, एल हनुमंतैया सर। सर आपका मैं स्वच्छकार समाज की आवाज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जय भीम। थैंक यू एल हनुमंतैया सर। कन्नड़ दलित साहित्यकार हैं, न केवल एक आंदोलन धर्मी लेखक बल्कि तमाम जो समसामयिक मुद्दे हैं, रेलिवेंट इश्यूज हैं, उन पे भी सर की पैनी नजर रहती है। मैं बिना किसी भूमिका के और समय गवाए सर मैं सीधा आपके पास जाना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आपका बचपन, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी है। आई वॉन्ट टू नो यूअर एजुकेशन बैकग्राउंड, सोशली सिचुएशन सर, एंड बिसाइड दैट वेयर यू कम फ्रॉम, फ्रॉम कनाडा। यस मैडम, मैडम आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट से आ गया मैं, 10th स्टैंडर्ड तक कनाडा मीडियम से मेरा गांव से पढ़िया। बाद में मैं बैंगलोर माय पीयू एंड माय बीएससी डिग्री बैंगलोर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में पढ़ दिया और आफ्टर बीएससी आई स्टडीड माय कनाडा लिटरेचर इन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी। बाद में मैं मैसूर यूनिवर्सिटी से मेरा डॉक्टरेट किया। मेरा डॉक्टरेट का सब्जेक्ट कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी में दलित चिंतना है, कन्नड़ा स्मॉल स्टोरी शॉर्ट कथा से, कथा में दलित चिंतना क्या है वो मैं डॉक्टरेट थीसिस है। आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग एज ए बैंक एम्प्लॉई एंड I was teaching in colleges for some time. Then I became the Legislative Council member in Karnataka. Now I am working as member of Rajya Sabha in Delhi. So this is my background. And I must tell you, my family say, first both my parents are illiterates, they have not gone to the school, wo padha nahi hai, mera hai first educated member of the family. Yes madam, hello Kaushal, you are talking on mute. Yeah, can you hear me Kaushal, you are talking on mute, please unmute yourself. Yes sir, main sorry ma'am, aapki awaaz mujhe, main mute karna bhul gayi thi। मैं सर जानना चाह रही हूँ कि आपके यहाँ DSS जो दलित संघर्ष समिति बनी हुई है या। वो क्या है सर, इसके बारे में मुझे थोड़ा। मैडम ये दलित संघर्ष समिति 1973 से स्टार्ट हुआ कर्नाटक में। इसका पहले महाराष्ट्र से दलित पैंथर संगठन है। ये दलित पैंथर संगठन से कर्नाटक का एजुकेटेड आदमी तो ये दलित संघर्ष समिति बन गया। ये दलित संघर्ष समिति वो दलित का प्रॉब्लम्स अटेंड करता है और
Can you hear me, madam? Yes, sir. You are audible, sir. No problem. Okay. Yes, sir. Oh, Dalit Sangharsh Samiti, educated class of Karnataka during 1970s. 1970 ये दशक से ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया. ये ऑर्गेनाइजेशन दलित प्रॉब्लम्स का क्या क्या प्रॉब्लम है, लैंड प्रॉब्लम है उनका, पर दौर्जन्य है, और एनी प्रॉब्लम ऑफ दलित, दलित संघर्ष समिति यूज टू अटेंड. सो लैंड प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है कर्नाटक से, उस काल से ये प्रॉब्लम अटेंड किया. ज्यादा दलित आदमी लैंड बढ़ गया, वो लैंड किया होग, दे गॉट द लैंड. ओके. एंड आफ्टर सम टाइम, वी यूज्ड टू अटेंड द अट्रोसिटीज ऑन दलित्स. दलित अट्रोसिटीज पर ज्यादा है उस काल से, 70s 80s अट्रोसिटीज बहुत ज्यादा था. ये अट्रोसिटीज का दलित संघर्ष समिति पूरा कर्नाटक से, सारे डिस्ट्रिक्ट में था, सारे तालुक में था, सारे होबली वालों से भी दलित संघर्ष समिति का कार्यकर्ता रहता है. वो दलित को प्रॉब्लम है तो दे उधर जाता है, ये प्रॉब्लम को अटेंड किया है. ज्यादा दलित आदमी प्रोटेक्शन वो इस समय इसमें दलित संघर्ष समिति दे गया है उनको. जी, मैं सर ये भी जानना चाहती थी कि कर्नाटक में जो मैनुअल स्पेंजिंग जो एक ट्रेडिशन था, कानूनी तौर पर वो समाप्त हुआ, लेकिन क्या एज प्रैक्टिस में भी वो है या खत्म हो चुका है पूरी तरह से? कर्नाटक से इस कॉल से 1970-60 से कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑन देयर हेड वाज द प्रैक्टिस. सो एक मिनिस्टर था, उसका नाम बसवलिंगप्पा. He was urban development minister. Bosolingappa ji, first kanun bana gaya Karnataka se, banning the carrying of excreta by human beings. That was the first law in the whole country. Karnataka was the first country, and lot of other states, zyada dusra states mein ye kanun copy kiya. ये वो भी एक कानून को लेकर आया. इसलिए मैं क्या बोलता है, कर्नाटका वाज ए वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट. दलित संघर्ष समिति आने का पहले बसवलिंगप्पा जी ने ये कानून बना गया. इसलिए दलित आदमी को एक आत्मविश्वास आ गया है. इस आत्मविश्वास से लॉट ऑफ दलित, ज्यादा दलित वापिस आ गया. इस अमानुष पद्धति से वो वापस आ गया. अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो चल रहा है, इधर उधर कर्नाटक से रिपोर्ट होता है, वो चल रहा है. अभी भी इट इज पूरा 100% स्टॉप नहीं हो गया है, ये विषाद का संगति है. यस सर. सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कन्नड़ नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग नॉर्थ इंडिया की भाषा अच्छी तरह बोल सकते हैं. दैट्स राइट, दैट्स नाइस, थैंक यू. जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आपका जो रेसिलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का आंदोलन जो चल रहा है सर, यस, वो क्या है, उसके बारे में सर विस्तार से हमें. Yes, ये 70s में रिजर्वेशन नहीं फिलअप हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फिलअप करने का हम लड़ाई किया. अभी मैडम इसलिए क्या हो गया, ये शेड्यूल कास्ट लिस्ट में 101 कम्युनिटीज आर देयर. सी, ज्यादा कम्युनिटीज ने बोलता है हमको रिजर्वेशन नहीं मिल गया. अभी तक 70 इयर्स हो गया, हमको ये रिजर्वेशन नहीं मिल गया बोलता है. इसलिए वो आदमी बोलता है हमको सेपरेट, हमारा पॉपुलेशन का बारे में सेपरेट रिजर्वेशन देना सकता है वो, इसलिए वो लड़ता है. कर्नाटक में मेजर तीन चार
कम्युनिटीज है रिजर्वेशन में. यस कम्युनिटीज अनटचेबल्स है एंड टचेबल्स भी है. टचेबल कम्युनिटीज भी कर्नाटक में रिजर्वेशन कैटेगरी में है. वो अनटचेबल कम्युनिटीज में ये स्कैवेंजर कम्युनिटी, ये कॉबलर कम्युनिटी, ये चमार कम्युनिटी क्या बोलता है इधर, वो कम्युनिटीज हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, दूसरा कम्युनिटीज के ज्यादा मिल गया, हमको नहीं मिला बोल सकता है अभी, बोलता है अभी तक. इसलिए वो कम्युनिटीज डिमांड करता है हमको एबीसीडी कर दीजिए हमारा पॉपुलेशन का बारे में. सी हमारा पॉपुलेशन 6% है सर. मैं बीच में टोकना चाहती हूँ ताकि हमारी जो ऑडियंस है सर, स्वच्छकर समाज की ऑडियंस और तमाम जितने हमारे जो SC ST OBC हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के जो जो हम लोग हैं सर, नॉर्थ इंडिया की तरफ से हमारे यहाँ जैसे एक तरह से कहा जाए कि वाल्मीकि वर्सेस चमार, मैं माफ कीजिए सीधा समुदाय का नाम ले रही हूँ, हालांकि मैं इससे बच, हम लोग एक कलेक्टिविटी लेके काम करते हैं इसलिए हम लोग. मैडम साउथ इंडिया में तो कर्नाटका में सर क्या है ये कम्युनिटी, मैं इसके बारे में भी जानना चाह रही हूँ सर साथ. तो कर्नाटक में ये वाल्मीकि कम्युनिटी जैसे काम करने का कम्युनिटी का नाम है मादिगा. वो उसके क्लीनिंग जॉब करता है, कॉबलर जॉब करता है, ये फुटपाथ में रास्ता में ये चप्पल का काम करता है ना, वो कॉल्ड मादिगा कम्युनिटी. ये मादिका कम्युनिटी उत्तर भारत का ये वाल्मीकि क्या काम करता है, बंगी कम्युनिटी काम करता है, वाल्मीकि कम्युनिटी का काम करता है, वो काम इधर दक्षिण भारत में ये मादिका कम्युनिटी करता है. इसलिए ये मादिका कम्युनिटी का डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, हम तो चाहिए सेपरेट रिजर्वेशन इन द रिजर्वेशन. सी रिजर्वेशन इज 15% है कर्नाटक में, इसका पॉपुलेशन 7% है. ये वाल्मीकि कम्युनिटी का जैसे नाम मादिगा बोलता है, वो कम्युनिटी का पॉपुलेशन 7% है और दूसरा कम्युनिटी का नाम 6% है और दूसरा टचेबल कम्युनिटीज का पॉपुलेशन 3% है. तो क्या हो गया, ये 3% पॉपुलेशन ज्यादा ये रिजर्वेशन मिल गया वो कम्युनिटीज को, 6% पॉपुलेशन 6% को ज्यादा मिल गया है, 7% पॉपुलेशन 7% प्रोपोर्शनेटली टू देयर पॉपुलेशन ये रिजर्वेशन नहीं मिल गया उनको. इसलिए वो बोलता है, वो डिमांड करता है हमारा पॉपुलेशन क्या है, इस पर आप रिजर्वेशन देना, आप कर दीजिए ABCD एंड परसेंटेज वाइज. परसेंटेज 6% है तो 6% दीजिए, 5% है तो 5% दीजिए, 3% है तो 3% दीजिए. इसी तरफ डिमांड हो गया है. अभी ये रिजर्वेशन बोलता है इंटरनल रिजर्वेशन. रिजर्वेशन का बारे में एक रिजर्वेशन है, ये कर्नाटक में चलता है, आंध्र प्रदेश में भी चलता है, तमिलनाडु में भी चलता है ये रिजर्वेशन का स्ट्रगल. अभी तक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में पूरा विधानसभा ये रेजोल्यूशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है. तेलंगाना गवर्नमेंट में ये रिजर्वेशन पूरा विधानसभा में करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है, वो क्या कुछ नहीं हो गया अभी तक. एंड कर्नाटक भी ये डिमांड कर रहा है, वो इधर भी क्या कुछ भी नहीं हो गया है अभी तक. इसलिए मैडम दिस struggle of reservation, internal reservation has to be looked into by the central government. Central government is struggle में ये social justice है और नहीं है ये सोचना और ये reservation को provision करना. Okay, sir मैं दोबारा फिर से आपको आपके बचपन के दिनों में लेके जाना चाहूंगी सर. आप जिस समुदाय से आते हैं और उसके बाद आपने उसके और यहाँ तक का स्ट्रगल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव तक पहुंचना, मतलब बिफोर द पॉलिटिक्स
join the politics, sir. Yes, I want yes. to know about your childhood struggle, sir. आपने इतनी higher education ली, कैसे कैसे ली सर? No, क्या मेरा उसमें hurdles क्या? Primary education मेरा मदर टंग में हुआ, that is Kannada. Okay. उससे मैं PUC को English medium को आ गया. English medium science लेकर पढ़ने को चले गया मैं. मैडम क्या हो गया, ये मदर टंग एजुकेशन, आई हैड टू इंग्लिश एजुकेशन, आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एक साल. एक क्लास में क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं होता है. अभी उस टाइम में इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. बाद में मैं एक मदर टंग का बुक भी लेकर और इंग्लिश बुक भी लेकर कंपेयर करके स्टडी करता है इस समय में पीयूसी में. सो आफ्टर आई पास्ड माय पीयूसी आई बिकेम कंफर्टेबल इन स्टडीइंग इंग्लिश मीडियम इन माय बीएससी. दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाज माय सब्जेक्ट बीएससी सब्जेक्ट. देन आफ्टर आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन लिटरेचर आई मूव्ड आउट फ्रॉम बीएससी साइंस टू Kannada literature again. And after I joined Kannada literature, I passed Kannada MA. Then I did my PhD also in Kannada literature. So that is purely out of my interest. My basic study is science. Subsequently, I joined literature, Kannada literature. So now I am the Kannada poet. I have written poetry. My poetry is a text in about dozen universities in Karnataka. It is a text in 9th standard, text in 10th standard, text in 11th and 12th, and text in degree also and PG also. And lot of students are studying our poems in the interest that what the message of a Dalit through his writings. Sir, can you please tell us what is the name of your books so that our research scholars would like sure, to... Sure. Madam, I have written the poetry. The first poems collection is Block-Eyed Girl. In Kannada, it is Kappu Kandina Hudugi. Of course, you don't understand. In English, it is Block-Eyed Girl. Second collection, Letters, O Letters. Aksharave. And third, I have written on the agony of Karna. In our Mahabharata, where you get Karna, I have written a lot of poems on Karna and Kunti. The agony of Karna is my third. And fourth also, the fourth, fifth, about five, six collections of my poetry has come. I have written a drama on Ambedkar. The life and struggle of Ambedkar as the substance of my drama, which was performed in Karnataka in many places, lot of places it was performed, and a lot of appreciation also has come into that. And I have written a lot of articles, critical articles on Dalit problems, on reservation, on this internal reservation of Dalits. Why they are struggling, what are their problems, and why it should be given. And I am pro internal reservation. Main always demand karta hai internal reservation implement karna. Do raj mein ye necessity hai, ye avashyakata hai. Avashyakata hai to unko constitution provision karna. ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता हो रहा है. इस डिमांड है पूरा देश में. ये पंजाब में हुआ था, हरियाणा में था, आंध्र प्रदेश में था. अभी क्लोज हो गया सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का बाद बारे में ये पूरा विड्रॉ हो गया. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके इस प्रोविजन करना, वो दलित से दलित कौन है? ये दलित कम्युनिटी का दलित सो हो गया है ना
some communities is dalits ko social justice dena padega, wo zarur dena padega. Isliye constitution amendment karne ka hum pura demand karna, pura desh mein is tarah ho raha tha, idhar udhar ye chalwali ye struggle zyada state mein ja ho raha hai. Isliye hum join karke all intellectuals aur ye aadmi kaun social justice bolke ja raha hai, social justice ka bare mein zyada बोलता है वो इस मूवमेंट का सपोर्ट करना, ये मेरा डिमांड है सर. लेकिन अगर आप रिजर्वेशन में विद इन रिजर्वेशन की मांग करते हैं या बहुत मतलब एक रेशनल तरीके से अगर हम सोचते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का भी जो एक मानना था कि हमारे जो मतलब सब ह्यूमन है, जो एक तरह से बना दिए गए हैं सब ह्यूमन, वो चाहे नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, ईस्ट हो वेस्ट हो, तो सब ह्यूमनिटी को एक इक्वल स्टेटस पे लाने के लिए जब हम रिजर्वेशन के अंदर जो विद इन रिजर्वेशन में एक कंट्रीब्यूशन की मांग करते हैं, तो इससे एक टोटलिटी में जो रिजर्वेशन का एक जो बनता है वो एक एक ऊपरी तौर पर ये कहा जाता है कि आप लोग रिजर्वेशन को का एक तरह से एंटी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं या कास्ट की राजनीति कर रहे हैं. Yes, yes. तो आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि मैं सर लेट मी कंप्लीट, क्योंकि जब हम आपस में बटेंगे तो जाहिर सी बात है जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हमारे जो भारत सरकार के अंदर जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आपस में ये लोग बटे रहे. और जो एक आम जो एज ए लेमैन, आई एम आस्किंग एज ए लेमैन, नॉट एज ए टीचर और नॉट एज ए, तो उस वो जो एक फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन उनके हाथ में आ जाती है वो यही कि ये लोग तो जो एक एंटी एक तरह से वो कहेंगे कि जो कास्ट को बनाए रखना चाहते हैं या वो लोग जो हमेशा मान के चलते हैं कि अच्छा है दलितों में फूट पड़े अंदर, तो वो इसी चीज को बनाते हैं सामने ला के जब हम विद इन रिजर्वेशन की बात करते हैं. तो आपके स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया भी अब तो ये चल रहा है, आपने जैसे कि कहा कि पंजाब में था, है अभी हरियाणा में था, पंजाब की असेंबली में पास किया गया. एक दिन हमने राजकुमार वेरका को बल्कि इसी के लिए बातचीत करने के लिए बुलाया था. तो सर इस पे रिजर्वेशन के ऊपर एक तरह से अटैक नहीं हो रहा है अगर हम इस तरीके से करेंगे? yes. मैडम, ये रिजर्वेशन का ऊपर क्या अटैक हो रहा है वो आदमी को ये ग्राउंड रियालिटी नहीं मालूम है. ये क्या है, मिडिल क्लास का आदमी है वो. ये मिडिल क्लास का आदमी रिजर्वेशन का मूल कारण क्या है उनको मालूम नहीं. मूल कारण है ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इंडिया में ये शोषण क्या हो रहा है वो कैस्ट पर हो गया है, ये धर्म पर हो गया है. इस श्रेणीकरण समाज में पूरा नीचे रखने का आदमी है वो आदमी को रिजर्वेशन चाहिए है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है. ये अनटचेबल का बारे में वो आदमी शोषण में हो गया है, वो आदमी मेनस्ट्रीम आने तक, मेनस्ट्रीम आने तो वो रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मेनस्ट्रीम आने तक उनको रिजर्वेशन चाहिए. मेरा ये समाज है क्या हो गया है, ये रिजर्वेशन से हमारा आदमी को अन्याय हो रहा है, वो अपर कास्ट बोल रहा है अभी तक. ये सत्य नहीं है, वो गलत है, क्योंकि ये आदमी रिजर्वेशन नहीं चाहिए बोल रहा है, वो आदमी ज्यादा वर्ष से रिजर्वेशन एंजॉय किया है. कैसे एंजॉय किया है, ये इंडिया में एक एक काम एक एक जाति पर पड़ता है. लोहिया भी बोलिया है इंडिया में जाति या वर्ग है, वर्ग और ये जाति है. सो जाति और वर्ग का भिन्न भाव नहीं है इंडिया में, इसलिए ये जाति पर शोषण कौन हो गया, शोषण किसका कर दिया, उनको एक स्मॉल सपोर्ट देना सकता है. ये सपोर्ट है रिजर्वेशन. अभी एनीबडी, वो कोई भी है,
ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए बोलता बोलने वालों को ये मूल कारण और ये शोषण का समाज, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर क्या शोषण हो गया उस पर मालूम नहीं है। यस सर, इसलिए मैं बोलता है जाति इस देश में रहता है, जाति नहीं होने तो जाति बोल सकते हैं रिजर्वेशन भी है। मैं 5 लाख विलेजेस है, ये 5 लाख विलेजेस में मैं बोलता है 50 विलेजेस भी नहीं है ये अनटचेबिलिटी का बारे में, नो अनटचेबिलिटी बोलने का 50 विलेजेस नहीं है, 20 विलेजेस भी नहीं है, कैसे बोलता है रिजर्वेशन नहीं चाहिए इस पर? ये आदमी और ये स्टूडेंट्स, ये यूथ्स कौन बोलता है रिजर्वेशन नहीं चाहिए, एंटी रिजर्वेशन का बात बोलता है, उनको हम मन कर सकते हैं ये रिजर्वेशन का कैसे आ गया है, ये रिजर्वेशन का कारण क्या है, अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है इंडियन समाज में, भारत का समाज में अभी भी जाति बहुत बड़ा कारण है, जाति में सभी चल रहा है, इसलिए रिजर्वेशन भी चलना। इसमें हम क्या इंटरनल रिजर्वेशन डिमांड करता है वो सोशल जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। सोशल जस्ट कौन है? उनको बहुत शोषित आदमी का न्याय नहीं देने तो वो उधर ही रहता है, इसलिए रिजर्वेशन का बारे में इधर भी उधर भी हम देना पड़ेगा, ये रिजर्वेशन लोएस्ट ऑफ द लो उनको देना पड़ेगा, ये आज का डिमांड है। इस डिमांड पर पार्लियामेंट भी सोचना, हमारा असेंबली भी सोचना, इंटेलेक्चुअल्स एंड यूनिवर्सिटीज भी सोचना और सोचकर ये न्याय देने का हम तैयार होना सकते हैं। यस सर, सर अगेन आई वुड लाइक टू आस्क सर एंड आई वांट टू डिस्कस ऑन दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मादिगा एंड माला? यस, द पॉइंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, व्हाट इज द डिफरेंस सर, माला एंड मादिगा इन कर्नाटका? नो, मादिगा एंड माला बोथ आर अनटचेबल कम्युनिटीज, अस्पृश्य समाज है दोनों भी। इसमें एक दैट माला कम्युनिटी मादिका कम्युनिटी से ज्यादा अभिवृद्धि हो गया है, इंप्रूवमेंट हो गया है, उधर एम्प्लॉयमेंट मिल गया, सोशल स्टेटस मिल गया और एजुकेशन मिल गया और इकोनॉमिक स्टेटस भी ये मादिका कम्युनिटी का कंपेयर करने तो ज्यादा है। इसलिए मादिका कम्युनिटी पूछता है हम भी आपका लेवल में आने पड़ेगा भी, इसलिए हम सेपरेट रिजर्वेशन देना। इसी रिजर्वेशन का मूल बात है ये शेड्यूल्ड कास्ट आदमी, अपर कास्ट, ये अपर कास्ट आदमी का फॉरवर्ड कम्युनिटी का आदमी का साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, वो रिजर्वेशन का मूल नियम है। अभी भी ये मूल शोषित समाज, ये मादिगा समाज, वाल्मीकि समाज, बंगी समाज, ये सभी बहुत शोषित समाज है, ये बहुत शोषित समाज फॉरवर्ड समाज से कंपटीशन करने को नहीं होता है, ये है इसका पीछे आर्गुमेंट ये है। इसलिए ये कम्युनिटीज थोड़ा छोड़ना, ये इट इज ए ह्यूमैनिटी है, ये ह्यूमैनिटी का प्रश्न है, ह्यूमैनिटी का प्रश्न हमको बोलता है आप बहुत शोषित समाज को ये सवलत क्या है छोड़कर उन्हों भी मुख्य वाहिनी को आना, वो मुख्य वाहिनी में आने तो समाज स्वस्थ होता है, ये डिमांड दोनों कम्युनिटी भी करता है। एंड मादिगा कम्युनिटी दे आर दी स्वीपर्स, क्लीनिंग काम पूरा वो करता है, कॉबलर काम पूरा वो करता है, बहुत शोषित समाज है। अभी भी ये मानव
का ये ऊपर मेला ढोने का काम ढोले का सिस्टम अभी भी है. इट इज अ शेम ऑन द ह्यूमन कम्युनिटी बट स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग. सो कैसे आप ये छोड़कर आने का दारी देखता है आप? ये सभी बोलता है ये एक ही दारी है. फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज फैसिलिटीज टू कम आउट ऑफ दैट मेन वर्क. काम क्या है उस पर छोड़ के वो आने का एक ही प्रॉब्लम है, एक ही दारी है. वो दारी है ये एजुकेशन देना उनको और एम्प्लॉयमेंट भी देना. दूसरा एम्प्लॉयमेंट देने तो वो उनका पुराना एम्प्लॉयमेंट पुराना काम छोड़कर वापिस आता है. ये इंडिया में होना सकता है. बट दैट इज ड्यू टू कास्टिज्म ना सर? यस, दैट इज ड्यू टू हमारा कास्ट सिस्टम. ये है जगजीवन राम को ये प्रेस वाला एक प्रश्न पूछा है वो दिन में 80s में, क्यों शेड्यूल कास्ट में ये बहुत डिफरेंशिएशन है, कैसे करता है वो डिफरेंशिएशन का पूछा. जगजीवन राम बोला अभी ये डिफरेंशिएशन शेड्यूल कास्ट में नहीं है, पूरा अपर कास्ट में भी है. ब्राह्मीन कम्युनिटी में देर आर 500-600 सब ग्रुप्स. शेड्यूल कास्ट में 550-600-100 में भी देर. इन ब्राह्मीन कम्युनिटी देर इज 600-800 ग्रुप्स आर देर. सो दैट इज द फॉलोइंग ऑफ द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम पालन करने का ये है वो कभी भी कास्ट है वो स्प्लिट हो गया, वो दूसरा दूसरा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया. ये टुकड़े को जोड़ने का एक ही मुलाम है वो एजुकेशन है और उनको सहूलत देना का ये काम ये गवर्नमेंट प्रभुत्व करना है. सर जैसे कि हम लगातार एक चीज डिस्कस करते हैं वो ये भारत में पूरा जो जातीय संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम सर, हम उसको ये कहते हैं कि जो जाति अपने जो जो थोपा गया पेशा था, जो वर्क था, उसको जिस जिस जाति ने छोड़ा है वो जाति आगे बढ़ा है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का कोई भी जाति हो, कास्ट हो, या साउथ इंडिया का कोई भी कास्ट हो. तो मेरा सर सीधा सवाल ये है कि ये जो कम्युनिटी है, जो भंगी है, वाल्मीकि है, या साफ सफाई का काम करने करती है, मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था, बजरंग बिहारी तिवारी जी ने कथा देश में आपके इंटरव्यू को छापा था, उसी इंटरव्यू के आधार पर ही मैंने आपसे बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किया. आपका इतना बड़ा वैल्यूएबल टाइम हमने अपने दर्शकों के बीच में रखा सर. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जाति जिसने जितना संघर्ष किया है वही जाति आगे बढ़ी है. ठीक उसी तरह मैं फिर वापस आती हूँ अपने उसी पॉइंट पे कि जिन्होंने अपने मूल पेशे को छोड़ा वही जाति आगे बढ़ी है. जैसे आप उत्तर भारत में अगर मैं एग्जाम्पल दे के कहूँ कि जो हमारे जो सामने जो जाति है, उस जाति ने जो थोड़ा डेवलप हुई सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंडस्ट्री में भी आने लगी है, उन्होंने अपने उस पेशे को छोड़ दिया जो जो एक तरह से कास्ट प्रैक्टिस करवाता था, जो अनटचेबल मानता था उसको. करेक्ट. जो एक तरह से जो जो उनके ऊपर एक तरह से जिसके ऊपर लगातार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी और तमाम ज्योतिबा फूले ने, कबीर, संत रैदास सबने लगातार इनके ऊपर चर्चा की है, उस मूल पेशे को छोड़ के वो समाज आगे बढ़ा. तो मैं सर ये कहना चाह रही हूँ कि नॉर्थ इंडिया का वाल्मीकि हो या उत्तर दक्षिण सॉरी या दक्षिण का मादिगा कम्युनिटी, करेक्ट, वो अपने मूल पेशे को क्यों नहीं छोड़ पाया आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की आजाद भारत के बाद भी? यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? उत्तर भारत का वाल्मीकि समाज, दक्षिण भारत का मादिगा समाज एक ही है जी, वो दूसरा नहीं है. ओके, क्लियर सर. ये एक ही समाज ये मीनियल जॉब्स बहुत काल से कर रहा है वो, इसलिए वो बहुत शोषण भी हो गया है. वो एम्प्लॉयमेंट में, वो एजुकेशन में, वो दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल गया है अभी तक. वो आगे बढ़े वाले ये पीछे बढ़े वाले इनको समय देना, अवकाश देना और उनको सपोर्ट भी देना. देने तो वो भी आगे बढ़े का अवकाश होता है, बट
अभी भारत में एक कास्ट सिस्टम है ना, वो कास्ट सिस्टम पूरा नहीं हो गया है, क्लीन नहीं हो गया है। एक कास्ट सिस्टम में अभी उच्च और नीच कल्पना है, अपर कास्ट उच्च है, लोअर कास्ट नीच है। वो नीच क्या बोलता है, शोषित समुदाय है। ये शोषित समुदाय में बहुत शोषित समुदाय है और शोषित समुदाय है। ये शोषित समुदाय का एनकरेजमेंट रिजर्वेशन में हो गया है। अंबेडकर भी क्या बोल दिया, शोषित समाज को सपोर्ट करने के लिए ये रिजर्वेशन आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो शोषित समाज को थोड़ा सपोर्ट होने का बाद हम पीछे देखना ना, हमारा गांव से क्या हो गया, हमारा ग्राम से क्या हो गया, उधर रहने वाला दलित क्या करता है, वो हमारा साथ आ गया है नहीं आ गया है, हम देना पड़ेगा। Yes. देखना पड़ेगा। हम देखने तो मालूम होता है बहुत शोषित समाज अभी भी हमारा गांव से रहता है। वो उस आदमी से, ये बहुत बड़ा दलित आदमी उधर है ना, उन पर दौर्जन्य चल रहा है, उन पर बहुत ज्यादा तरफ अट्रासिटीज चल रहा है। वो कानून उनको रक्षा नहीं देता है अभी तक इंडिया में। ये कानून भी अपर कास्ट का साथ है, वो शोषित समाज का साथ नहीं है। इसलिए पूरा देश में दलित संगठन हो गया है। क्यों दलित संगठन हो गया, इफ कानून उनका साथ रहने तो, ये शोषित समाज का साथ रहने तो दलित संगठन क्यों होता है। सो दलित संगठन होने का मूल कारण ये कानून और सरकार, ये शोषित समाज का साथ नहीं है, ये हम पहले सोचना। वो इसलिए क्या हो गया, पूरा देश में ये कश्मीर भी है, पंजाब भी है, दलित प्रत्येक चलवली चल रहा है, प्रत्येक आंदोलन चल रहा है पूरा देश में। उस साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं चल रहेगा, वो शोषित समाज का साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है और कानून भी नहीं है। इसलिए हम सेपरेट आंदोलन करके लड़ता है, ये सिस्टम पर लड़ता है। वो कभी भी अभी तक 72 इयर्स, स्वतंत्र होने का 72 इयर्स का बाद में भी हम न्याय पढ़ने का नहीं होता है, ये अवकाश नहीं मिल गया है हमको। इसलिए ये स्ट्रगल चल रहा है एंड चल सकते भी आगे बढ़े। ये हमारा एजुकेटेड क्लास क्या है, उनको मालूम होना ये क्या चल रहा है देश में, समाज में क्या चल रहा है, हम किधर जाना, हमारा काम क्या है, कैसे ये पूरा शोषित समाज को हम मुख्य वाहिनी को दे सकते हैं, वो लेकर आने का क्या क्या कार्यक्रम करना हम कर सकते हैं। ये पूरा एक दिन में, एक वर्ष में, 100 इयर्स में चलने का काम नहीं है। वो कारण थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ये शोषण हो गया, शोषित समाज मेंटली भी डिप्रेशन हो गया। ये मूल भारतीय शोषित समाज का, बहुत शोषित समाज और शोषित समाज, ये बहुत शोषित समाज का पूरा डिप्रेशन हो गया, मेंटली भी डिप्रेशन हो गया उनका मेंटल स्टेटस का। ये दूसरा वालों का मेंटल स्टेटस का ज्यादा डिफरेंस है। दे आर नाउ ट्राइंग, अभी प्रयत्न कर रहा है वो आने का, आगे बढ़े, प्रयत्न हो गया है, ये प्रयत्न पूरा फल नहीं दे गया है अभी तक। इसलिए मैं सोचता है गवर्नमेंट भी उनको न्याय देना, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको न्याय देना। वो पूरा शोषित समुदाय हमारा गांव में है, हमारा स्लम में है, इस सिटी में है, उस आदमी को हम मेन स्ट्रीम को लेकर आना, दैट इज द रियल सोशल जस्टिस इन दिस कंट्री। एंड दैट इज योर विजन सर। आई एम वेरी सीरियसली थिंकिंग ऑफ, we are one and we should have a struggle. ये आंदोलन स्टॉप नहीं होता है, वो चल रहा है, वो चलने का। ये आंदोलन इस तरफ चलना,
ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने का डिमांड है ना, ये डिमांड देश का अत्युन्नत अधिकार किसका हाथ में है उनको ये सुनना, हमारा आंदोलन उनका दिमाग में जाना, वो कन्विंस होने तो ये सोशल जस्टिस पूरा ग्राउंड लेवल तक आता है। ये सोशल जस्टिस नहीं आने तो कितना दिन कितना वर्ष आप ये रिजर्वेशन रखता है इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये दैट इज माय फीलिंग सिंसियरली। यस सर। सर अब कुछ सवाल आपके लिए हैं आपकी चर्चा में जो आपने बातचीत की। निशा पारचा वांट टू से समथिंग सर, टू आस्क यू। निशा पारचा। यस कम ऑन निशा पारचा। गुड इवनिंग सर। यस मैडम। I would like to ask you, yes. जैसे कि पूरे भारत में sanitization workers है, उनकी yeah. जो स्थिति है, जैसे कि उनको सिर्फ मास्क और sanitizer देके काम कराया जा रहा है, क्या यही स्थिति कर्नाटक में भी है मादिवा समाज के साथ में? और मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जिस तरह आपने कहा कि मादिगाज और नॉर्थ के जो ये बंगी वाल्मीकि कम्युनिटी के जो लोगों को हम लोग एक ही है ऐसे आपने कहा, मैं भी यही मानती हूँ, तो इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो अम्बेडकराइट मूवमेंट चल रही है, इस अम्बेडकराइट मूवमेंट का क्या रोल होना चाहिए? यस मैडम, से अम्बेडकर मूवमेंट इज टू ब्रिंग द सोशियत समाज टू द मेन स्ट्रीम, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अम्बेडकर स्ट्रगल। That is why he has inserted into the constitution the reservation process. But the reservation which is being given to the scheduled caste of the country, it has not reached them properly. Exactly. Very few people have taken that reservation facility. Majority of the people, say 60 to 70% of the scheduled caste population has not reached to the reservation area. So that is why hum sab a bada janasankhya hai hamara gaon mein hai hamara villages mein hai un us par hum sochna abhi the reservation must think yes sir how to bring the lowest of the low jana wo soch samajh ko if we don't think of that if it we are not giving justice to a population yes sir sir sushil rajoria hain abroad se hain hamare delhi ke hain waise to lekin videsh mein okay hai. okay wo aap se sawal puch rahe hain sir is thoti community to whom sri bajwada wilson belong to not to spanjing community in karnataka please clarify no the belwada Wilson Belwada, who is working for scavengers, yes sir, he is working with Karnataka scavengers also, who are still practicing that work. Because all so much of facilities are there, schemes are there in Karnataka and throughout the country, but these facilities even today it has not reached the Bangi community. It has not reached the scavenger community. They are still working in the same status. So that is the reason Mr. Wilson is a very important person today. His voice should be heard and we should be able to solve the problems of these people on priority. Madala adhyata mein ye kaam ko hum ye samaj ko hum dekhna. इसलिए रिजर्वेशन में रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन पूछता है ना, उनको हम सोचने का बारे में बहुत ज्यादा काम है उस पर।
उस पर सोचना हम क्यों पूछता है वो रिजर्वेशन सेपरेट क्यों पूछता है। वो मेन स्ट्रीम का दलित सेना उनका साथ कंपटीशन करने को नहीं होता है, इसलिए हम उन पर यो सोचना और उन पर देना सकता है, वो बहुत आवश्यकता है आज का दिन में। यस सर, एंड सेकंड क्वेश्चन ही इज आस्किंग सर, आर द वाल्मीकिज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया नॉट एंगेज्ड इन स्क्वेंजिंग इन कर्नाटका, एंड थर्डली ही इज आस्किंग थर्डली इन व्हाट प्रोफेशन द लोकल कर्नाटका वाल्मीकि कम्युनिटी माइट बी बोया वाल्मीकि is engaged in manual scrunching the work. Fourthly, what is the relationship of Karnataka Valmikis with North Indian Valmiki and with the scrunching madding community? No, Karnataka Valmikis are different. Here, the scheduled tribes are called as Valmikis. Scheduled caste, Madigas and the scavenger community, they are not called as Valmikis in South India. Only in North India, the scavengers and equivalent job, that Bangis, they are called as Valmikis. That is the difference. But if you call a Bangi or Valmiki or Madiga or Chakaliyan or Arundhatiyar, there are so many communities in Dakshin Bharat, South India. All these communities, you should find out what is their job, whether they are doing menial job, inhuman job, then we have to support them, whoever it is, wherever they are. According to me, the Valmiki of North India and Madiga of South India are not different. They are one. Their problems are similar. Their fighting is similar. So we should listen to them. We should listen to them and implement their demands into practical thing. Then only they will get justice. Okay, sir. Last question, sir. Vivek want to ask something? Vivek or Babita? Yes. Yes, there is one question, sir. Tell me. Sir, as ma'am asked you, that why there is no progress in our Dalit community? Vivek, there is progress in Dalit community. No, sir. People have become educated class. They are employed in government offices. They have become professors in universities, lecturers in universities. They have become scientists. I wanted to know your point of view on the ideology of upper caste as on the ground level. There is a problem with the ideology of upper caste as they do not want our community to go in progress. As I saw, there is a scene in my father's office. There was an officer offering a man some money and saying that there will be no Dalit. You do not have the right to call that Dalit if you are not borrowing money from us. So there is, what do you think about that? There is a ideology. No, you mean to say the word Dalit is removed from the record? No, sir. Government. Are you talking about that? No, sir, I'm not talking about that. I'm talking about the ideology of upper caste, which is, you know, harming our Dalit community to go upper, to go in a progress. Yes. The caste mind of the Indian society as not accepting Dalits to come to the mainstream. They are not ready. A mindset kya hai, man kya hai upper caste ka, wo pura samaj Dalit aadmi ko mainstream aane ka nahi des chodta hai. Whether it is an employee or an agriculture laborer or a karmic, kaun bhi hai, he is suffering from caste system. Dalits are always, whether he is a scientist or an engineer or a doctor, he is also suffering from caste inequality. So unless and until we all come up in the society,
unless and unless all Dalits have become has come to the mainstream, we are not going to solve this problem. So if some Dalits, those who are educated, those who are economically good, better, if they think I am elite, I can do anything, no, it is not allowed in Indian society. So we should always look at our backside. People who are standing in the queue, suffering from untouchability, suffering from poverty, suffering from different kinds of inhuman attitude, we should bring them together. We should also join with them, bring them together, bring them to the mainstream. Mukhya samaj mukhya vahini ko wo aadmi nahi aane to, wo aadmi udhar hi rehne to, hamara caste inequality nahi jata hai, wo mindset nahi jata hai. Ye hai problem. सर दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर हम आपके लिए वो करेंगे सर. Yes. एक डॉक्टर राम मेहत गौतम है सागर यूनिवर्सिटी से, वो सर आपसे पूछना चाहते हैं कि आज 80% भंगी समाज अपना जिल्लत भरा काम छोड़ना चाहता है पर रोजगार के अभाव में वही काम सुलभ जानकर फिर से शुरू कर देता है, इस समस्या का समाधान क्या है? Yes, madam, 80% of the people want to leave that occupation of manual spinning. Yes. But due to unemployment. Correct. And manual spinning work is easily gained. You are right. You are right. I understand. Yes, sir. 80% of the people, ये हमारा पुरानी काम को छोड़ने को इच्छा करता है. वो नहीं होता है because of untouchability and other problems. Yes. ये सच है. It's exactly true. But मैं बोलता है अभी ये आदमी जरूर छोड़ना, ये काम है नहीं है दूसरा काम करना. दूसरा ये हमारा समाज में माइनॉरिटी भी है, ये माइनॉरिटी और दूसरा कम्युनिटी कितना पॉवर्टी है, कितना बढ़तन है वो इस आदमी को, वो काम नहीं देता है. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. ए ब्राह्मीण है, इसी तरफ पॉवर्टी उसका गांव में है, वो क्लीनिंग काम नहीं करता है. ये देखिए है किधर वो क्लीनिंग काम करने का ब्राह्मीण कैसे होता है, वो ये माइंडसेट होता है. हम फिक्स हो गया है इस तरफ काम करने तो हमको खाना मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है. नो, वी शुड चेंज अवर जॉब, we should change our petty works. See, you become if you are not a cobbler, you become a pot maker, you become a small vendor. You may earn less, but your self respect will be more. So my advice is, what may come, leave that job and you come out of it. Even if you are getting sufficient salary, don't go do that job. Definitely. That stigma will not go out of you. Please come out of it. That is the only way in India to eradicate caste system. Yes, sir. Last question, sir. Yes, ma'am. Chandrapal Singh, आपसे पूछना चाहते हैं. Yes. ऐसा कभी संभव होगा कि आज का वाल्मीकि स्वच्छकार समाज पर संपूर्ण समाज द्वारा इस एकमात्र समाज को थोपे गए सफाई के काम करने को छोड़ पाने में सफल होगा? उसके लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है? Tell me in English. Yes, sir. Sir, he want to know, is it possible for Valmiki or Swachkar Samaj that he will not do that work of manual scavenger? Yes. And what is the need of movement? What type of movement to eradicate the caste? Correct. Of manual scavenging or to eradicate the to stop the working of manual spinning. Yes. Or safai. Madam, ये पूरा देश में ये आंदोलन शुरू करना. हम क्या देने तो एक लाख सैलरी देने तो हम कैरिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा आई विल नॉट डू दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग आई विल नॉट डू एंड वी एजुकेटेड क्लास शुड एजुकेट दी अवर ब्रदर्स डोंट डू दैट जॉब. Do anything, but don't do that job. That Andolan
शुरू करना। इस आंदोलन से सभी मैनुअल स्कैवेंजिंग काम करने वालों को वापस लेना, उनको दूसरा जॉब देना। ये क्या काम होता है समाज में, बहुत काम है, ये स्मॉल वेंडिंग है, क्या काम नहीं है बोलो, ये पूरा काम करने का, दूसरी काम क्या कुछ करने तो करो, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करना। इस माय मैनुअल स्कैवेंजिंग छोड़ता है, इस आंदोलन को शुरू करना, सभी एजुकेटेड क्लास तो शुरू करना। जी थैंक यू सर, आप हमारे स्वच्छकार समाज के लिए लास्ट कोई भी कमेंट कीजिए, हमारे यंग लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, व्हाट इज योर मैसेज? लोगों एजुकेटेड क्लास है, पूरा समाज का सोचने का आदमी है, पूरा समाज अर्थ हो गया है ना, ये अंडरस्टैंड हो गया है ना, वो आदमी जोड़ना, वो संगठन करके, ये आदमी हम छोड़ के पूरा गांव में है ना, उनको सपोर्ट करके मेन स्ट्रीम को लेकर आना, ये बहुत जरूर काम है आज। सेकंड थिंग, हमारा पार्लियामेंटेरियंस है, हमारा MLAs है, हमारा एजुकेटेड ऑफिसर्स है, AS, IPS और सभी ऑफिसर्स है, वो सभी जोड़ के ये काम करना, वो आदमी ये समाज का बहुत शोषित काम करता है, उनको सपोर्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा काम है, कितना काम वो कर सकते हैं हम सोचना, उनको लेकर हमारा ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करके उनको दूसरा काम करने का अवकाश मिलने का हम सपोर्ट करना, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अंबेडकर भी यही देखा है, यही बोलिया है, वो बोला हमारा एजुकेटेड क्लास अनएजुकेटेड क्लास पर योचन नहीं किया, इसलिए मैं बहुत दुखित हो गया बोला, ये हम भी सोचना, वो दुखित समाज है ना, हमारा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनका बारे में हम क्या क्या है, कैसे उनको लेकर आना इधर, कैसे उनका मैनुअल स्कैवेंजिंग तरफ काम के छोड़ने का क्या करना, हम वो क्या ट्रेनिंग देना उनको, उनको एजुकेशन आने तो ये स्वाभिमान आना ना, स्वाभिमान नहीं तो एजुकेशन वो एजुकेशन नहीं है। सो उस तरफ एजुकेशन हम बाहर से देना, स्कूल में नहीं मिलने तो बाहर से देना, ये समाज का ये निरंतर प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है, बहुत ज्यादा दिन का काम है, हम सब मिलकर ये काम करना, ये आंदोलन करना, इस पर मैं बोलता है थोड़ा भी उनको इलाज करके उनको मेन स्ट्रीम को लेकर आने का होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू निशा जी, मैडम, थैंक यू बबीता, अरुण जी आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इंपॉर्टेंट टाइम आपने हमारे सब लोगों को दिया, मैं फेसबुक के तमाम लोग जो आपको सुन रहे थे, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया है, मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है आप सबके बीच में, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा आपने की सर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा स्वच्छकार समाज और तमाम, हम और एक बार मिलेंगे, हमें अभी तो और क्वेश्चन सही तो नो प्रॉब्लम, आप मिलेंगे और एक बार, श्योर सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर।